हेलो दोस्तों, आयरन क्लास पर आपको स्वागत है। आज हम एयरफोर्स और नेवी के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ लेके आए हैं। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या होगा। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं आखिर क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सोल्व करना है। सबसे पहले तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे क्वेश्चंस में, तो हम क्या करेंगे, उनमें जो इनके मात्रक हैं उनको एम की एस पत्ती में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे, एम की एस पत्ती में। एम से मतलब क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। वो किसमें होना चाहिए, ये किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। और जो लेंथ है वो किसमें होनी चाहिए, वो मीटर में होनी चाहिए। और जो हमारा टाइम है वो किस में होना चाहिए, हमारा सेकंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। हाँ जी, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि m इंटू वी इज इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट। कैसा होगा, कॉन्स्टेंट। एम क्या है, द्रव्यमान। वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। बात करते हैं 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक द्वारा। पहला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात करें। प्रतिक्षिप्त यानी कि जो वापस में रिफ्लेक्ट जो कर रही है वो वाला वेग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं हम। हाँ, तो जो बंदूक का जो द्रव्यमान है M1 वो कितना है, 20, ठीक है। और जो गोली का द्रव्यमान है वो कितना है, 20 ग्राम। तो ये किसमें है, ग्राम में, किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि एम के एस पत्ती में चेंज करने हैं हमें। ये 1000 हो गया के वेग से, और इसकी जो वेलोसिटी है V2 वो कितनी है, 100 मीटर प्रति सेकंड। किसमें है, 100 मीटर प्रति सेकंड। और हमें क्या निकालना है, बंदूक का वेग ज्ञात करना है हमें, V1, ठीक है। तो वही संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे हम। संवेग संरक्षण का नियम, MV बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है हमारा, 20। V1 हमें फाइंड आउट करना है। M2 कितना है, 20/1000। और ये कितना है, V2, 100। तो दो जीरो से थे, दो जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और दो से दो कैंसिल, तो बचा कितना है यहाँ पे, 10। तो V1 की वैल्यू कितना है, 1/10, यानी कि 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पहले वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर गतिमान है। कुछ समय पश्चात टकराने पर ये परस्पर संयुक्त होकर एक निकाय बनाते हैं। निकाय का वेग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो ये वाला हमारा द्रव्यमान है M1, ये कितना है, 40 किलोग्राम का है। और एक इधर से दूसरा द्रव्यमान आ रहा है, ये हमारा 20 किलोग्राम M2। और ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका टोटल वेट कितना होगा, 20 + 40 = 60। और हमने इसकी वेलोसिटी मान ली, वो कितनी है, V। अब हमें ये वी वेलोसिटी ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो V2 है वो कितना है, हमें 50 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और ये V1 कितना दे रखा है, ये हमें 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे कि जो पूर्व में है यानी कि टक्कर से पहले, टक्कर से पूर्व बराबर टक्कर के बाद, टक्कर से पूर्व M1V1 + M2V2, और टक्कर के बाद कितना हुआ, क्योंकि दोनों पिंड क्या हुए, जुड़ गए, तो M1 + M2 × V। M1 की वैल्यू कितनी है, 40, 40 × 10। M2 कितना है, एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की ओर कहा ना इन्होंने, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस। ये ध्यान रखना, यदि एक दूसरे की ओर है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं वहाँ पे। तो एम टू की वैल्यू कितनी है हमारी 20 गुना 50, और ये एम वन प्लस एम टू 60 × b, तो ये कितना हो गया 400, और ये 5 × 2 = 10, और ये हो गया 1000, और ये 60 × v। तो 400 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60v माइनस के 600। तो ये v से v कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 10 m/s। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है, देखो यदि पिंड एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है, और यदि एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्या है कि जो संवेग होता है, संवेग यानी कि m इंटू वी, वो किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बल के। यानी कि जो m इंटू में v है वो किसके बराबर होता है? f के। किसके बराबर होता है? f के। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि एक शिकारी मशीन गन से 50 ग्राम, देखो ग्राम है, किसमें है? ग्राम में। तो हमें क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे, कि गोली को 800 m/s के वेग से दाग सकता है, 40 किलोग्राम का चीता 10 m/s के वेग से उस पर झपटता है, तो चीते को रोकने के लिए उसे कितनी गोली चलानी होगी? ठीक है, गोलियों की संख्या में निकालने। अब वो कब रोक पाएगा उसको? जब दोनों ओर का संवेग बराबर हो, यानी कि n गोलियों का जो संवेग है वो किसके बराबर होना चाहिए? चीता के बराबर होना चाहिए। तो तब क्या होगा, व्यक्ति उसको रोक पाएगा। यानी कि n गोलियों का संवेग वो बराबर किसके होने चाहिए? चीते का संवेग। यानी कि n m1 into v1 is equal to किसके होने चाहिए? m2 v2। n m1 कितना दे रखा है गोली के लिए? ही m1 ये 20 50 / 1000। 1000 क्यों लिया? क्योंकि हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। और वेलोसिटी कितनी है इसकी? 800। M2 कितना है? 40। V2 कितना है? ये 10। यहाँ से दो जीरो कैंसिल होगी, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारे कितना हो गए? 8 × 5 = 40, और 40 × 10, तो 40 से 40 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यानी कि उसे रास्ते में रोकने के लिए क्या करना होगा? 10 गोलियां चलानी होगी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये बिल्कुल सेम है, ऐसी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की, 40 ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, कि गोली को 120 m/s के वेग से दागती है, इसे पकड़ने वाला व्यक्ति बंदूक पर अधिकतम 144 N का बल लगाता है। तो गोलियों के अधिकतम संख्या याद कीजिए। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार ध्यान से समझ ले। पहले इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं कि जो व्यक्ति है उसे तभी रोक पाएगा यदि n गोलियों का संवेग चीते के संवेग के बराबर हो। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, यानी कि m इंटू में v, वो किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि जो गोलियों का संवेग है m इंटू में v, वो किसके बराबर होगा? व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बल के, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो संवेग m इंटू में v वो किसके बराबर होगा? f के। और संवेग कितनी गोलियों का मान लिया हमने? n गोलियों का मान लिया। किसका? n गोलियों का संवेग। तो n इंटू में m, m कितना दे रखा है? 40 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी? 120, और ये 144। तो क्या हुआ, यहाँ से दो जीरो कैंसिल होगी, और ये आगे हमारे पास 4 × 12, और इसकी 10 की दर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 144। अब 12 का
से डिवाइड कर देंगे अभी इतना आ जाएगा 12, और 4 तिया 12, तो कितना आ गया है एन इज इक्वल टू 30। तो उसे कितनी गोली चलानी होगी, 30 गोली चलानी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारी क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।